पाँव में दर्द करेगा, माथा पक्कर मारेगा। अच्छा पाएगा, ठीक है, आप घूम घूम जाओ। अच्छा है, अच्छा है ना? है, बहुत अच्छे। चलो चलो, लेकिन देखना है तो नीचे भी तो जाना है। यह है एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट। क्या आप पानी का बॉटल जरूर साथ में ले आए, परेशानी का सबब बन जाती है, लेकिन थकान होती है यार। टाइम कैसा लग रहा था यार, अभी जाओ अभी जाओ अभी जाओ। मिलते हैं बाद में फिर कभी। हाउ मेनी रुपीज? 20। हाँ 20। एक 20। हाय हाय, कौन सा है? से हाय। हाय, शी इज बिजी इन हर मोबाइल। स्कूल नहीं नहीं, आप हिंदी बोल सकते हैं अच्छे से? थोड़ा थोड़ा भाई, थोड़ा थोड़ा आता है। और खासी भाषा आता है? इंग्लिश आता है थोड़ा थोड़ा, और खासी पूरा? खासी पूरा। और कितना टाइम लगता है वो नीचे जाने का? 8 मिनट। अच्छा, वो वहाँ जाने का और यहाँ भी आने? इधर जाना है। अच्छा, हाँ पहले नीचे जाने का। अच्छा अच्छा जाएगा। ओके ओके ओके, चलो थैंक यू। ये देखो ट्रेडिशनल। नमस्ते भाई साहब, कहाँ से हो? करवेलम। करवेलम कौन सा राज्य? वेस्ट करवेलम। राज्य राज्य केरला? केरला। केरला, यो बहुत दूर से आए हो फिर? हाँ बहुत दूर। कैसे आए यहाँ केरला से? बॉम्बे आए कि पहले का? बॉम्बे आया था तो गाड़ी लेके आया। अच्छा, बॉम्बे से गाड़ी से आया? क्या फ्लाइट से आया? फ्लाइट से नहीं, गाड़ी से आया। अच्छा, ये कितना रुपये लिया ये ड्रेस का? 200। 200। ओके ओके, चलो। कितना दूर है नीचे? नीचे कितना दूर है? एकदम तले। अच्छा है क्या? माथा घुराया जाए। अच्छा, देखने को मजा आएगा? बहुत नीचे में है, पाँव में दर्द करेगा, माथा पक्कर मारेगा। अच्छा हाँ, आप थकेगा नीचे में? आप थकेगा? हाँ थकेगा। नहीं थकेगा आप? मैं नहीं थकेगा। कितना टाइम कितना लगेगा? धोरिया से यहाँ से 20 मिनट तो लगेगा। 20 मिनट लगेगा। हाँ। आप बंगाल से हो गया? बंगाली हो? हम बंगाली आदमी हूँ। अच्छा, कोलकाता? नहीं, फिर हम आया है हमरेन सब डिविजन से। हम लोग महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हो? भाई इतने दर्शक है। कौन कौन आया? और एक आदमी आया, बोला मैं नीचे नहीं जाएगा। ओ, थक गए हो? थक गए हो। ब्लॉगिंग कर रहे हो? हाँ ब्लॉगिंग कर रहे हो। यूट्यूब चैनल है? हाँ यूट्यूब चैनल के लिए। और कौन है आपके साथ? वही एक दोस्त और मैं आए थे, लेकिन वो ऊपर ही बैठ गया, वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, आप घूम घूम जाओ। अच्छा है? अच्छा है ना? है, बहुत अच्छे। चलो चलो ठीक है यार, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं यहाँ पे। और ये देखो छोटा सा पानी का स्ट्रीम है, लेकिन इससे भी कई ज़्यादा बड़ा वाटरफॉल हमें नीचे जाकर देखने को मिलने वाला है। ऊपर चढ़ने में काफ़ी मशक्क़त होने वाली है, क्योंकि लेकिन देखना है तो नीचे भी तो जाना है, नहीं तो फिर इतनी दूर आके फ़ायदा क्या यार। हो देखिए क्या सीन है यहाँ से। वाह, थोड़ा चश्मा पहन लेता हूँ, अच्छा लगेगा। ये जो आप देख रहे हैं ना पीठ पीछे, ये है चेरापूंजी शहर। और ये चेरापूंजी शहर के बिल्कुल बाजू में ये है एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट। मस्त है यार। और उस खाई के अंदर भी एक गांव बसा हुआ है। यहाँ जब से आया हूँ मेघालय में तो सब जगह पर बस ऐसे सीन और खूबसूरत नज़ारे मिल रहे हैं। फिलहाल इस वैली को आप देख सकते हैं यार, वहाँ से भी एक पॉइंट बनाया है उन्होंने। और ये देखो, अगर ये कहीं नीचे गिर गया मैं, मुझे डर लग रहा है। ऊंचाई से मैं हमेशा डरता हूँ, सही में मुझे ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन आप जिस जगह पे मैं खड़ा हो ना, वहाँ पानी की ठंडी ठंडी बूंदे मेरे चेहरे के ऊपर आ रही है। वाह मस्त हाँ, एकदम बढ़िया। बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े हैं, फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं।
और ये वाकाबा फॉल्स। तो गाइज काफ़ी शानदार नज़ारा था, ये दिल भर गया यार, बहुत सुकून मिला ये देख के, बहुत ज़्यादा सुकून मिला। अभी हम जाएंगे उस वाटरफॉल्स के नज़दीक में। वाकई में यार वाकबा वाटरफॉल्स एकदम बढ़िया चीज़ थी, ऐसा खूबसूरत नज़ारा शायद ही देखा होगा पहले। हालांकि कोंकणी इलाके में कुछ वाटरफॉल्स है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं ना तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप पानी का बॉटल ज़रूर साथ में ले आए, क्योंकि ऊपर चढ़ते समय ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है। हाँ, पानी की बॉटल लानी चाहिए थी। उस जो खाई से ना जो ठंडी हवा आ रही है, उस ठंडी हवा से यार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रात को यही ठंडी हवा परेशानी का सबब बन जाती है। क्या करें, इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ज़्यादा गर्मी अच्छी नहीं, ज़्यादा ठंडी अच्छी नहीं, ज़्यादा बारिश भी अच्छी नहीं, सब उसको मेंटेन चाहिए। लेकिन ये है निसर्ग, वो अपने तरीके से चलता है, हमारे तरीके से नहीं चलता है। यह है सिटिंग अरेंजमेंट, और यहाँ बैठ के आप थोड़ा सा आराम फरमा सकते हैं। अगर आप थक चुके हैं तो थोड़ा हम भी आराम फरमाते हैं यहाँ पे। हाँ, अच्छा लग रहा है यहाँ के वाकबा फॉल्स। मुझे लगता है मेघालय में जितनी भी सारी देखने लायक जगह है उनमें से एक इम्पॉर्टेंट जगह होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का अगर नवंबर महीने में यहाँ वाटरफॉल्स शुरू है तो आप सोच सकते हैं कि जून से लेकर जो बारिश का अपना सीज़न होता है उन दिनों क्या हालत होती होगी। लेकिन थकान होती है यार। हाँ, तो चलते, थोड़ी सी रेस्ट हो गई, अभी ऊपर चलते हैं। कैसा लग रहा है ऊपर चढ़ने को? ऊपर जाने में इतना थक ले इतना आराम आराम गया। और नीचे जाते टाइम कैसा लग रहा था यार, अभी जाओ लग रहा है। मैं 3 बार बैठ गया। क्या करते हो तुम, स्कूल कॉलेज क्या है, क्या काम करते? गाड़ी चलाता है। ड्राइविंग ड्राइवर हो? हाँ, ड्राइवर। बहुत अच्छा काम करते हो यार, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो। अच्छा, कौन सा मोबाइल है? मोबाइल आईटेल। आईटेल स्क्रीन गार्ड टूट गया लगता है उसका। हाँ, स्क्रीन गार्ड टूट गया ना? नहीं, टिम प्लस। हाँ, टिम प्लस। अच्छा अच्छा, लेकिन देखने की चीज़ है यार। हाँ, देखने के लिए अच्छा है। अच्छा है, और भी है ना? और भी है ना। हाँ, चलो उसे भी देखेंगे। आज तो पूरा दिन देखना ही, कुछ छोड़ना नहीं है, एक तो भी छोड़ना नहीं। हाँ, इतना 5 साल का बाद फिर आए थे हम, पहली बार आए। तुम 5 साल के बाद आए हो? हम हमारी ज़िंदगी में पहली बार इतनी दूर आए महाराष्ट्र से। देखो कभी से देख रहे हैं, क्या देख रही है मोबाइल में, दिखाओ क्या देख रही है, देखो क्या देख रही है यार, वीडियो देख रही है, वो भी क्या है, यूट्यूब शॉर्ट्स। क्या बात है, मैंने भी शॉर्ट डाले, देख लो।
ठीक है आपको मिलते चलो अच्छा लगा। चलो आंटी जी मिलते हैं बाद में, फिर कभी दोबारा जब घूमने को आएंगे आपसे मुलाकात होगी।